खरगोन और सेंधवा में राव नवमी पर हुए पथराव और आगजनी हिंसा के विरोध में खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने दंगाइयों से निपटने बड़ा बयान दिया है और एकजुट होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का आह्वान किया है। दरअसल रामनवमी पर जिले के सेंधवा और खरगोन में हुई हिंसा को लेकर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कसरावत के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देते हुए दंगाइयों के विरोध में बड़ा बयान दिया। दंगाइयों से निपटने के लिए तैयारी कर ईंट का जवाब पत्थर से देने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि रामनवमी पर दंगाइयों ने घरों के दरवाजों पर पत्थरबाजी कर माहौल खराब किया है। वहीं आम जनता इससे डरी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों को डर से बाहर निकालने, दंगाइयों से निपटने लोकसभा सांसद ने लोगों को एकजुट होकर प्रतिकार किए जाने का आह्वान किया। आपने राम जी के जुलूस पर, भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर हजारों राम भक्त पर आपने जहां पर फूल बरसने देवा पत्थर फेंका है। अब ये ध्यान रखना, बाबा का आशीर्वाद है और कसरावत के यहां पर नौजवान बैठे हैं, एक संकल्प पारित करना, हमारी माँ बहनों का दर्द सुनना, खरगोन के बहनों का, हमारे भाइयों का वो दर्द की आंखों को झलकते हुए देखना और ये गाढ़ बांध लेना, ये माँ भारत का देश है, हम धर्म के आधार पर जीते हैं और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं, पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। आज अवसर है बाबा की भक्ति का, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और अभी ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हजारों साल हो गए राम जी के मंदिर के निर्माण को लेकर, एक भगवान राम थे जिसका राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इस देश में एक शक्तिशाली सरकार चल रही है देश के प्रधानमंत्री जी की, और इसलिए इस बात को वह दूसरे लोग समझ जाए या वह सरकार नहीं है समझौते करने वाले की, आप सब लोग ताकत से खड़े हो जाए। ये देश माँ भारत का है, इसकी ओर कोई देखेगा तो ये हिंदू समाज पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। और आज पूरी रात बाबा की है, बाबा के भजनों की रात है, माता बहने भाई उपस्थित हैं, ये मन में संकल्प ले रहे कि अब कोई भी अत्याचारी अगर हमको पत्थर फेंकेगा तो उसकी तैयारी करके रखो। यह देश शांति का संदेश है और इसको अशांत करने के लिए हम पूरी ताकत से शांति का दूत बनकर खड़े हैं। इस अवसर पर मैं आप सबके दर्शन पाकर बड़ा अभिभूत हूँ। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।